सरकार के लाख दावों के बावजूद बिजली विभाग से लोग परेशान हैं। जनता की समस्याएं समय पर हल न होने से परेशान रीवा के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने बिजली विभाग के जेई के पैर पकड़ लिए। विधायक का कहना है, बिजली विभाग के लोग समस्याओं का समाधान नहीं करते और गलत जानकारियां देते हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या को लेकर विधायक प्रदीप पटेल 4 दिन पूर्व अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे थे, जहां तकरीबन 6 घंटे प्रदर्शन करने के बाद उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया कि जल्द ही समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन जब समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो पुनः वे अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नई गढ़ी में तैनात JEL के तिवारी के पांव पकड़ लिए। सिस्टम से परेशान विधायक अफसर शाही की पैरों में गिरा पड़ा रहा। विधायक का आरोप था कि विभाग उनके क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान करने के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी भेज रहा है। उन्होंने कहा, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, लिहाजा सड़क पर नहीं बैठ सकता। इसीलिए अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय में ही बैठूंगा, जिससे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके। उनका आरोप था कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या है, कहीं तार नहीं है तो कहीं के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। बावजूद इसके विभाग ध्यान देने के बजाय गलत जानकारी दे रहा है। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल मौजूद रहे। अभी शनिवार को यानी 4 दिन पहले हम यहाँ आए थे कुछ काम को लेकर के। इन्होंने बोला 3-4 दिन के अंदर काम हो जाएंगे, तो उसी कार्य की प्रगति को लेकर के पता करने आया हूँ कि कितने काम हुए, क्यों नहीं हो पाए, देखते हैं क्या होता है। कोई हमारी हटाने की मांग नहीं थी, हमारी कोई हटाने की मांग नहीं थी। ये इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों हटाया। मैं मीडिया में स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ, ना लिखित ना मौखिक, मेरी कोई मांग अभी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। क्या मजबूरी है वो देखते हैं। सामान्य से जैसे 3-4 ट्रांसफार्मर लग गए तो वो ट्रांसफार्मर तो सामान्य रूप से भी लगते रहते हैं, मगर जो केबल और अभी वो ऐसी हिसाब से बात हुई, वो मैंने कहा कि सब पता लगा कि इसको जल्दी जल्दी करिए। ट्रांसफार्मर बदलना, केबल बदलना, बिंदु क्या, मतलब कोई ऐसा मांग सूत्री मांग जैसा कुछ नहीं था। एक सहज अपने क्षेत्र की जो काम अधूरे पड़े हैं उसको लेकर के था। धरने भी कहाँ बैठे हैं, वो तो ऐसी हिसाब से मिलने आए अपने कुछ क्षेत्र के विषयों को लेकर। नहीं, कोई धरना नहीं था, क्षेत्र में कुछ बिजली की समस्याएं थी उनको लेकर मिलने आए थे। आज भी मैं कुछ काम को लेकर एसी साहब के पास आया तो उसी बीच वो आए, तो मेरी चर्चा हो गई, मैं जा रहा हूँ, वो अपनी चर्चा करके निकल जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।